आज सुबह सुबह एक बड़ा दुखद समाचार सुनने को मिला कि कल रात को दक्षिण इलाके के एक छोटे से गांव हुंजड़ में क्लाउड ब्रेस्ट हुआ, और चूंकि कम्युनिकेशन न होने के कारण पूरी सूचना नहीं मिली, लेकिन जितना भी वहां से पता चला है लगभग 6 डेड बॉडीज अभी तक रिकवर हुई है, और ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है कि 35 से 40 लोग मिसिंग हैं। ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। सुबह जब ये समाचार सुना तो मैंने भी वहाँ पे संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन केवल पुलिस से ही बात हो पाई। उसके बाद मैंने राज्य के अपने LG महोदय श्रीमान मनोज सिन्हा साहब से बात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि हमने रेस्क्यू टीम इवन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स लाइन अप रखे हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मेरी बात हुई, वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बट चूंकि मौसम बहुत ख़राब है, मौसम अलाउ नहीं कर रहा है हेलीकॉप्टर्स को, इसलिए NDRF SDRF की कुछ टीमें पैदल यहाँ से चल पड़ी हैं। कुछ वहाँ पे लोकल पुलिस और आर्मी ने रेस्क्यू शुरू किया है, और ये सारा अभी प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही मौसम खुलता है मुझे पूरी उम्मीद है कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स भी वहाँ के रेस्क्यू के लिए शुरू हो जाएंगे। मैं खुद भी अपने वॉलंटियर्स के साथ उसी तरफ चल पड़ा हूँ, और जिस प्रकार से ये दुर्घटना घटी है, मैंने अभी LG महोदय से भी निवेदन किया है, इस पूरे रेस्क्यू के बाद उनके रिहैबिलिटेशन और रिलीफ के लिए भी उनका जितना उचित वहाँ पे मुझे लगता है कि ज़रूरत होगी वो मिलनी चाहिए। मैंने अभी अपने अध्यक्ष श्रीमान रविंदर रैना जी से भी बात की, उन्होंने केंद्र में बात की, होम मिनिस्टर साहब से बात की, ये सारी प्रक्रिया जारी है, बाकी वहाँ स्पॉट पे जाने के बाद ही सारा पता चलेगा।